नमस्कार, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की तरफ से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। हमारे नालसा का जो कैंप है, जो पूरे भारतवर्ष में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। हक हमारा भी तो कैदियों के लिए जो हमारे जेलों में बंद हैं, और दूसरा लीगल अवेयरनेस थ्रू आउटरीच टीम जो न्याय पंचायत और ग्राम सभाओं में चल रहे हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना चाह रहे हैं। जो हमारे ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसमें क्या है, हम गांव-गांव जाकर सभी लोगों के उनके विधिक अधिकार क्या हैं, विधिक सेवाएं कौन प्राप्त कर सकता है। तो हमारी विधिक सेवाएं हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि जो शोषित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके एक लिस्ट है, जैसे ST SC हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं, जो लोग न्यायालय में नहीं आ पाते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने जो कैंपेन चला रहे हैं कि आप पहले विधिक साक्षर हों, विधिक जानकारी हो आपके, और उस विधिक जानकारी को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे न्यायालय के माध्यम से। अगर न्यायालय में आप आ रहे हैं, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कैसे आ सकते हैं, तो उनके लिए हमें कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप सक्षम नहीं हैं, आप नहीं आ सकते, तो हम आपके पास आएंगे। डोर टू डोर कैंपेन का हमारा यही पर्पज़ है। डोर टू डोर हम जाके बात कर रहे हैं उनसे, जो भी समस्याएं हैं वो भी समस्याएं भी उनका देख रहे हैं, और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण के लिए भी हमने एडवोकेट्स भी रखे हुए हैं। एडवोकेट पैनल एडवोकेट हमारे जो होते हैं निःशुल्क कार्य करते हैं उनके लिए, वो न्यायालय में अपना मुकदमा दायर करा सकते हैं उनसे, या एडवाइस भी ले सकते हैं। ऐसे तमाम विधिक जानकारी के लिए हम डोर टू डोर कैंपेन उनका कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्हें जागरूक किया जा सके कि आप कमज़ोर नहीं हैं, हम आपके साथ हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से। ये हमारा कैंपेन 13 तारीख तक चलेगा। इसी कैंपेन के मध्य में एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत है जो पूरे भारतवर्ष में लगता है, तो हमारे उत्तराखंड में भी 12 नवंबर को प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक तहसीलों में लगाए जा रहे हैं। इसमें छोटे छोटे मुकदमे, जैसे दोनों पक्षों में समझौता हो जाए, चेक बाउंसिंग के केसेस हमारे कोर्ट न्यायालयों में पेंडिंग हैं, तो अगर दोनों पक्ष आ जाएं, परिवादी और जो विपक्षी दोनों पक्ष आ जाएं, तो उनका भी निस्तारण सामाजिक सांझर से दोनों पक्ष बैठकर उसका किया जा सकता है। और दूसरा जो कैंपेन हमारा जो चल रहा है, हक हमारा भी तो है कैदियों के लिए, जैसे हल्द्वानी सब जेल जो हमारे कैदी हैं, करीब 1300 कैदी वहाँ पे हैं, सितारगंज में भी हमारे जो अंडर कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, उनके वन बाय वन कैदियों का हम इंटरव्यू लेके उनको विधिक जानकारी भी दे रहे हैं, और जो उनकी समस्याएं हैं, जैसे किसको अधिवक्ता मिले हैं, नहीं मिले हैं, उनकी सारी गणनाएं की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट हम नालसा को भेजेंगे उसमें कि क्या स्थिति इन कैदियों के बारे में भी है। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ से चल रही हैं।